फैसले म्यूनिसिपल कमेटी डॉक्टर शाहिदुर्रहमान मुगल की राहबरी करते हुए स्टेज की जानिब बढ़ते हुए हेलो आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर शाहिदुर्रहमान मुगल साहब और उनके शाना बशाना सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर भद्रवा मीर गफूर साहब और SHO भद्रवा जतिंदर सिंह रखवाल साहब स्वतंत्रता दिवस पर आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान पेश करने के बाद राष्ट्र झंडे को लहराते हुए सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर भद्रवा दारों सफेदों चिनारों का देश जो वतन की मोहब्बत में कुर्बान हुए जिन जियाले जरे जान इशारों का देश आजादी मुबारक हो। आज 15 अगस्त 1947 का यही वो तारीखी सात दिन था जब हिंदुस्तान बरसों की गुलामी के बाद आजाद हुआ और अपनी गर्दन से गुलामी का टोप उतार फेंका। मगर ये आज़ादी यूँ ही नसीब नहीं हुई, इसके लिए वतन परस्तों ने बिला लिहाज और मजहब और मिलत रंग और नस्ल जबान वकायद ने मिलकर लड़ा हजारों जाने निसार की। सैकड़ों आज़ादी के मतवालों को तख्तेदार पर लिटाया गया, हजारों सहाब उजड़ गए, कई लोगों ने सीने पे गोलियां खा के हमारे मुस्तकबिल को ताबदार बनाया। आज हम उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को सलाम करते हैं, मुस्तबिल को ताबदार बनाया। आज हम उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को सलाम करते हैं जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद खान, अब्दुल गफार खान, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अशफाक उल अल्लाह शामिल थे। इसके अलावा आज हम आजादी के नाजीदी को
मेंटेन करने के लिए हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे जो सिपाही हैं पुलिस के, हमारे जो आर्मी के जान निसार हैं, जो हर वक्त अपनी कुर्बानी के लिए सरहदों पे तैयार रहते हैं और हमारी आज़ादी को मेंटेन करने के लिए अपनी जानें भी निसावर कर लेते हैं, हमें उनको सलाम करना चाहिए, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज हमको 75 साल हो आज़ाद फिजाओं में सांस लेते हुए, मगर अभी तक हम अपनी जहन पर गुलामी मतलब जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग चांद पे पहुँच गए हैं और अब मार्स पे टूरिज्म का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी हम कभी धर्म पे, कभी जात पे, कभी इलाके के नाम पे लड़ पड़ते हैं। आज हमें ऐद कर लेना चाहिए कि हम धर्म जात इलाके से उठकर मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हाथ बढ़ाएं। 1947 को जब मुल्क आज़ाद हुआ हम बेसरो सामान थे, मगर मुल्क में जमहूरी कदरों को पास तारीफ हुई और कलील वक्त में मुल्क न्यूक्लियर पावर बनकर दुनिया के सामने उभर पड़ा और हम तरक्की की राह पे गामजा हैं। गुज़श्ता कई वर्षों में बहुत नई स्कीमों को लागू किया गया। वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने की कहादत में मुल्क को आत्मनिर्भर और डिजिटल इंडिया बनाने का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर होता जा रहा है। हाल ही में आपने डीडीसी, बीडीसी, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन देखने में आए, आपने देखा कि किस तरह हकीकी इकदार ग्रास रूट लेवल तक ले जाया गया। हर गांव, हर बस्ती, हर कस्बे से आपके नुमाइंदों ने आपकी हकीकी नुमाइंदगी के लिए चुने गए ताकि आप अपने इलाके, अपने कस्बे, अपने शहर को बेहतर प्लानिंग कर सके। उसके अलावा मरकज की तरफ से बहुत सी स्कीमें शुरू की गई हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत स्कीम का ऐलान हुआ, जिसका सीधा फायदा किसानों और छोटे व्यापारियों को हो रहा है और 20 लाख करोड़ के पैकेज से कोविड से मुतासर लोगों को इसका फायदा हुआ। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में 50% सब्सिडी दी गई, जिससे मेवा और सब्जी फरोशों और बागवानों को उनका लाभ मिला। गरीब कल्याण योजना के तहत माइग्रेंट वर्कर्स की रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाया गया। आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों को गोल्डन कार्ड इशू हुए, जिसमें उनको 5 लाख की हेल्थ केयर फ्री मिल सकती है। उसके अलावा हमारी यूपी में हर एक के लिए ये स्कीम लागू की गई है, जो कि बड़ी जिसका हम खैर मकदम करते हैं। लिटरेसी रेट चैलेंजेस की एड्रेस किया गया, खास उन अमकिन काम हो रहे हैं और मुल्क में आत्मनिर्भर और डिजिटल इंडिया को और बढ़ रहा है। मैंने वैसे चेयरमैन अपने टेन्योर में कस्बे में रोशनी, ड्रेनेज सिस्टम, ब्यूटिफिकेशन ऑफ टोन के लिए जो काम किए वो आपके सामने है। यहाँ पे आप हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी, वो उसको दूर किया गया, ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया और आप देखेंगे कि इसी बस स्टैंड में यहाँ पे एक भारत स्टार होटल खोला जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। उसके अलावा बस स्टैंड की ब्यूटिफिकेशन के लिए 1 करोड़ रुपया रखा गया है, जिसमें यहाँ पे पार्क बनेगी, वर्क्स बनेंगे, पैसेंजर शेड होगा। उसके अलावा एक बच्चों के लिए चिल्ड्रन गार्डन बनाया जाएगा, जो हमारी कुंडली हॉल के बाहर होगा। यहाँ पे स्लॉटर हाउसेस बनाए जाएंगे, एक तो पहले ही बना हुआ है, उसके अलावा एक दूसरी साइड से भी बन जाएगा दूसरे भाइयों के लिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपया रखा हुआ है। उसके अलावा हमारी म्यूनसिपलिटी में हमारा एक ओल्ड स्लॉटर हाउस था, जिसको हम डिसमेंटल करके यहाँ के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी कम कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ जाई में इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट से अपील की है, उनको बार बार लिखा हुआ है कि जो वहाँ पे यूज हॉस्टल है उसको रिनोवेशन किया जाएगा, जो कि उन्होंने माना हुआ है। उसके अलावा वहाँ पे टूरिस्ट को काफ़ी कम फैसिलिटीज मिल रही हैं, उनके लिए भी फैसिलिटीज का इंतजाम किया जाएगा। उसके अलावा
बदरवा टाउन में ट्रैफिक के मसाइल का हल मनसूबाबंद तरीके से हमारे मिशन का हिस्सा है। आओ हम सब मिलकर बिला लिहाज मजहब और मिलत मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार निभाएंगे। मिलजुल कर करो तामीर, वतन है दोस्त तुम इंसान हो, पत्थर भी अगर हो जाए जमा दीवार खड़ी हो जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस एटीएस की कयादत में सलामी मंच के सामने गुजरता हुआ और कौमी पर्चम को सलामी देता हुआ आगे बढ़ रहा है। सलामी पेश करते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदरवा एनसीसी मंच से गुजरते हुए सलामी पेश करते हुए एनसीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदरवा सीनियर विंग कविता देवी की क्यादत में मंच से गुजरते हुए सलामी पेश करते हुए इस बात का सबूत इसके साथ उनका वेलकम करते हुए आईजीपीओ बदरवा जिन्होंने अपना प्रोबेशन पीरियड जो है श्रीनगर में वहां पर अपने फराइज अंजाम दिए और उसके अलावा वो डीएसपी ऑपरेशन हंडवाड़ा बांडीपुरा भी रहे। एसडीपीओ ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, शोहरत वतन की मुल्क की सरहद की निगेबान है आखिर। और इसके बाद मैं दावा देना चाहूंगा एनसीसी सीनियर विंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदरवा कवि पृथ्वीराज जी अगर कहीं मौजूद है वो भी तशरीफ लाएं। मैं दावा देना चाहूंगा यहाँ पर स्टेज पे आने के लिए आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडर साहब वो भी तशरीफ लाएं और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी बदरवा म्यूनिसिपल नंबर साहब तशरीफ लाएं। मैं दावा करना चाहूंगा केंद्रीय विद्यालय बदरवा के बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बदरवा के स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट हाजिक हक हक साहब के फर्जन है बहुत आगे और जो है पेश रहते हैं कल्चरल एक्टिविटीज। इसके बाद दावा देना चाहूंगा ईशा शर्मा। हेलो जैद अहमद। हाँ जी जैद अहमद मुबशर कादिर सुभाष कोठार जी तो तहसील टीचर रजिस्ट्रेशन मुदसर
मुजफ्फर हुसैन सफाई कर्मचारी मोहतरम जनाब अरुण कुमार जी मोहतरम बशारत हुसैन इलेक्ट्रिशियन मोहतरम बशारत हुसैन इलेक्ट्रिशियन मोहतरम जनाब मोहतरम बशारत हुसैन इलेक्ट्रिशियन मोहतरम बशारत हुसैन इलेक्ट्रिशियन क्या बात है श्री सुरेंद्र सिंह जी कैजुअल लेबर म्युनिसिपल कमेटी भदवा फोरमैन जेपी सलीम साहब आए पुलिस सरकार योड़ जोड़ रहा योड़ एक साउंड रखी सलीम साहब सलीम सर था ठीक है एक साइड रखी जेकेडीसीएल फॉर्मेट बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन इनका रहा और डिपार्टमेंट ने इनको रिकमेंड किया है एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के लिए जब पुराने बात पेश करना चाहूंगा सलीम साहब का आपको और साहिर साहब का कंट्रीब्यूशन रहा अनिल महाराज साहब और पद्म सॉरी सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन अंकुश शर्मा जी मुबारकबाद अनिल भूषण सब इंस्पेक्टर जम्मू राजवीर सिंह जी सब इंस्पेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हर सिंह मेंटेनिंग हाँ जी जहरुद्दीन साहब सीआईएसएफ की सेवा अवस्था है नरेंद्र कुमार ड्यूटीज एफिशिएंटली विपुल कुमार जी फिजिकल एजुकेशन इशाद हुसैन डिपार्टमेंट पुलिस जहां कहीं भी तो इनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहता है इन पर्सन को लेकर सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा तो ये तो मेरा बनता है कवरेज करने जनाब राकेश कुमार जी वो यहाँ पर राज को तशरीफ लाए डॉक्टर शाहिदुर रहमान मुगल साहब की वो इसी सिलसिले में मैं चंद कमान एडमिनिस्ट्रेशन को टाउन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए ये था कौम के नाम आज के मेहमान खुसूसी का खिताब पूछ करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान इसके बाद अगर आल कमान अनिल महाराज जी मैं नजामत की जानिब से वर्दी एडीसी भद्रवा जनाब राकेश कुमार जी का हर मकदम करना चाहूंगा वेलकम करना चाहूंगा और यौम आजादी के मौका पर मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा।